तेरा नाम धोखा रख दूं सो है गाइस वेलकम टू अनदर न्यू काइन मास्टर स्टेटस वीडियो और आज की इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर में इस तरह के लिरिकल वीडियो को एडिट करना सिखाएंगे सो so, बगैर टाइम जाए कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पे मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया है और यहां से आपने क्रिएट न्यू में जाना है और यहाँ पे आपका जो भी एस्पेक्ट रेशियो है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए और आपने इमेजेस में आने के बाद एक ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट करना है और किनारे से खींच के इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है उसके बाद आपने ऑडियो में आना है और अपने सॉन्ग को इंपोर्ट करना है जिसका आपने लिरिकल वीडियो बनाना है आपने इस प्लस पर टैप करना है इस तरह ये ऑडियो नीचे इंपोर्ट हो जाएंगे उसके बाद अगेन आपने लेयर में आना है यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और अपने सॉन्ग के पहले लाइन को यहाँ पे टाइप करना है यहाँ से आपने इसको ओके करना है उसके बाद आपने इस डबल ए टैप करना है यहां से आपने माई फोन में आना है और आपने सेकेंड वाले फोन को सेलेक्ट करना है फ्रोज बाइट इस फोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उसके बाद आपने इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है अगेन आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ से आपने इन एनिमेशन में आना है इन एनिमेशन में आपने फेड सेलेक्ट करना है और इसके स्पीड को आपने 0.5 करना है यहां से आपने इसको ओके करना है अगेन आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है इस बार आपने ऑटो एनिमेशन में आना है अगेन फेड सेलेक्ट करना है और अगेन आपने इसकी स्पीड को 0.5 करना है यहाँ से आपने इसको ओके करना है उसके बाद आपने लिरिक्स को प्ले करना है और जहाँ पे पहला लिरिक्स खत्म हो जाए उससे आगे वाले टेक्स्ट को आपने डिलीट करना है यहां से मैं आगे वाले टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ उसके बाद हमने इस टेक्स में एक की फ्रेम एड करना है आपने टेक्स को सिलेक्ट करना है यहाँ से आपने इस चाबी पे टैप करना है आपने टेक्स के इन में आना है उसके बाद आपने इस प्लस पे टैप करना है आपने टेक्स के सेंटर में आना है यहाँ पे अगेन इस प्लस पे क्लिक करना है और इस टेक्स के साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है कुछ इस तरह से यहाँ से आपने इसको ओके करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पहले टेक्स्ट का काम मुकम्मल हो चुका है उसके बाद हम इस टेक्स्ट में कलर ऐड करेंगे अगेन आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से आपने ओट लाइन में आना है यहां से आपने इसको इनेबल करना है उसके बाद आपने इस कलर पे टेप करना है और यहाँ पे आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट यहाँ पे मैं पिंक सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से आपने इसको ओके okay करना है यहाँ से भी आपने ओके okay करना है अगेन आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है अगेन आपने नीचे आना है यहाँ से आपने ग्लो पे टैप करना है अगेन आपने इसको इनेबल करना है अगेन आपने इस कलर पे क्लिक करना है अगेन आपने यहाँ से पिंक सेलेक्ट करना है यहाँ से आपने इसको ओके okay करना है उसके बाद आपने इसके स्प्रेड को थोड़ा सा इंक्रीज करना है अराउंड फिफ्टीन तक लाइए और आपने इसके साइज को भी थोड़ा सा कम करके फिफ्टीन तक लाना है यहाँ से आपने इसको ओके okay करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पहले टेक्स का काम मुकम्मल हो चुका है आगे के लिरिक्स लिखने के लिए आपने इस टेक्स के कॉपी बनाने हैं आपने टेक्स को सेलेक्ट करना है यहाँ से आपने थ्री डॉट्स में आना है यहाँ से आपने इसका डुप्लीकेट बनाना है और इस टेक्स को उठा के आपने आगे लगाना है यहाँ पे और अगेन आपने इसको प्ले करना है और जिस जगह पे दूसरा लिरिक्स खत्म हो जाए उससे आगे वाले टेक्स्ट को आपने डिलीट करना है या अगर ये कम हो जाए तो आप यहाँ से इसको खेन्च के इंक्रीज कर सकते हैं दूसरा लिरिक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहां से मैं आगे वाले टेक्स को डिलीट करता हूँ और यहाँ से आपने इस ऑप्शन पर टैप करना है और लिरिक्स का दूसरा लाइन टाइप करना है और उसके बाद इस टेक्स्ट में हमने कोई और कलर यूज करना है अगेन आपने यहाँ से नीचे आना है आपने ऑर्ट लाइन में जाना है और यहाँ से आपने कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करना है इस बार मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से आपने इसको ओके करना है यहाँ से भी आपने इसको ओके करना है अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है अगेन आपने यहाँ से ग्लो में आना है अगेन आपने इस कलर को ब्लू करना है यहाँ से आपने इसको ओके करना है तो दोस्तों हमारे दूसरे टेक्स का भी काम मुकम्मल हो चुका है और इसी तरह आपने आगे के लिरिक्स को भी ऐसे ही लिखते जाना है यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस सॉन्ग के पांच लिरिक्स लिख दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं आपने उनको डिलीट करना है तो दोस्तों यहां पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और फाइनली एक बार मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूं उसके बाद यहां से आपने इसको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से आपने इसको सेव करना है